I am Dr. Ajay Naik, Director of SIMS Hospital and Director of Cardiac Arrhythmia and Heart Failure Division in SIMS Hospital. Cardiac arrhythmia दिल की धड़कन की बीमारी है. Normal दिल की धड़कन 160 और 100 के बीच में रहती है मिनट में. जब हम खड़े रहें, एक्सरसाइज करें तो धड़कन बढ़ती है, वो नॉर्मल है. पर कुछ पेशेंट्स में धड़कन अनियमित और बहुत फास्ट हो सकती है. इसे कहते हैं कार्डियक अरिथमिया. गति तब 200-250 भी हो सकती है और पेशेंट को उस समय चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, बेहोश होकर गिर सकते हैं. ऐसे पेशेंट में स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन. घर में जैसे पानी के पाइप से पानी आता है और वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी आती है, दिल में भी खून की नली से खून पहुँचता है और स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल स्नायु है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है. खून की नलियों के जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग धड़कन की जांच के लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी की जाती है. इसमें करीब आधा पौना घंटा लगता है और ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है. नलियां हृदय तक डाली जाती है और हर एक जगह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जाँच करते हैं और पता करते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है, गलत धड़कन कहाँ से आ रही है, और एग्जैक्ट पता चलने पर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सेक देके उसको मिटाया जा सकता है. अगर 100 पेशेंट हो तो 98% से ज़्यादा में ये कायमी इलाज हो सकता है. तो काफ़ी पेशेंट में जिनको बचपन से ये बीमारी हो, बार बार ये तकलीफ हो रही हो और हर एक बार इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल दौड़ना पड़े या ज़िंदगी भर दवा चालू रहनी पड़े, उससे अच्छा ये आधे पौने घंटे की ट्रीटमेंट से कायमी इलाज मिल सकता है. आई एम डॉक्टर अजय नायक, डायरेक्टर ऑफ कार्डियक अरिथमिया एंड हार्ट फेलियर डिविजन एंड SIMS हॉस्पिटल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.